नमस्कार। देश दुनिया के सफल लोगों की कहानी वाले इस बेहद खास शो जीरो आवर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं श्री दलजिंदर सिंह बाछल। दलजिंदर सिंह एक तरफ समुद्र की गहराई नापते हैं तो दूसरी तरफ पर्वत की ऊंचाई, एक तरफ धरती की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर जाकर भारत का झंडा लहराते हैं, झंडा फहराते हैं, तो दूसरी तरफ समुद्र में 30 फीट की गहराई पर जाकर न सिर्फ साइकिल चलाते हैं बल्कि वहां केला भी खाते हैं। दलजिंदर सिंह पूरी दुनिया में पुलिस डिपार्टमेंट के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो समुद्र में जाकर जिन्होंने साइकिल चलाई और रिकॉर्ड बनाया। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास शो में। आज मदर्स डे है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में अगर कोई सफल होता है तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी माँ का होता है। क्या कहेंगे सर माँ के बारे में? तो मनोज जी मैं ये कहूँगा कि उनके बारे में जो उनकी सपोर्ट रही है, मैं अपने बारे में जो मेरे काम में उनकी सपोर्ट रही है वो ऑटो वर्ड्स है, वो इनडायरेक्टली पीछे रह के चुपचाप रह के सपोर्ट करते रहे हमें सर। जहाँ जहाँ भी मैंने किसी भी काम में मैं आगे मैंने अच्छा काम जहाँ पे करने की कोशिश की है उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, और जहाँ पे उनको लगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे डांटा भी है रोका भी है। कितनी उम्र होगी माँ की? माँ की हो गया 65। आप जो करते हैं, आप पहाड़ पर जाकर एवरेस्ट पर जाते हैं, इतनी ऊंचाई तय करते हैं या समुंदर में जाते हैं, ये दोनों काम आसान नहीं है, बहुत खतरनाक है, जोखिम भरा काम इसको कहा जा सकता है। तो माँ ने कभी रोका, उनको डर लगा कि बेटा नौकरी करो, अच्छी खासी नौकरी है, आप पंजाब पुलिस में हैं तो नौकरी है, नौकरी करो। बहुत माएँ ये चाहती हैं कि बेटा सेफ रहे तो नौकरी करो, ये क्यों खतरा मोलते रहते हो? माँ ने कभी ऐसा कहा? यस, ऐसा बहुत बार हुआ है जी। उनको पता होता है कि जब ये जा रहा है किस काम में जा रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, चाहे वो आपने अभी बता चुके हो, चाहे वो समुंदर के नीचे जाना है, चाहे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, हर जगह रिस्क है। तो उन्होंने रोका तो बहुत कि ठीक है तुम अच्छे भले जी रहे हो, सारा कुछ गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है और अच्छा भला घर है, सब फैमिली है, तो ये पंगे क्यों लेते हो बिना वजह से? बट कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये कुछ अलग करना चाहता है, हट के कुछ करना चाहता है, जाएगा तो जरूर। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं रोकने की कोशिश की, बट कहा कि ठीक है अगर नहीं करते तो बेटा बढ़िया है, और वो वेट करते रहते हैं जब तक मैं नहीं आता हूँ, तो उनको दिमाग में कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, तो फ़ोन पे इन टच रहते हैं कहाँ पे हो, कैसे हो और कैसा चल रहा है। और जब मैं ये सारे ये मिशन सक्सेस करके आता हूँ तो आई थिंक खुश भी सबसे ज़्यादा वही होते हैं। चलिए, तो माँ का डर था, माँ का मन था। आपको जब आपने शुरुआत की आपको डर नहीं लगता था शुरुआती दिनों में? मतलब ये सोचकर ही बहुत लोग डर जाते हैं कि समुंदर में उतरना, समुंदर देखकर ही डर जाते हैं, वहाँ किनारे खड़ा होने पर पानी ही पानी दूर तक दिखाई देता है, लेकिन आप उसमें अंदर उतर जाते हैं या पर्वत पर चढ़ना, आप ऊंचाई तक चढ़ते जाते हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगा? नहीं मनोज जी, नो डाउट डर लगता था। जब मैंने स्टार्टिंग की ये समुंदर वाली हम फर्स्ट बात करते हैं, उसमें क्या था, मैं कुछ हटके करना चाहता था। मेरी बचपन से एक आदत रही है कि मैं रूटीन लाइफ जीने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ हटके करें जो सारी दुनिया कर रही है, कि आप पहले बच्चे थे पढ़े, उसके बाद फिर बड़े हो गए, मैरिड हो गई, शादी हो गई, आपने जॉब कमा ली, फिर आपके बच्चे हो गए, तो ये मुझे बड़ी रूटीन सी लाइफ लगती, सभी लोग तो कर रहे हैं, कुछ हटके करो। चलिए सर, ये तो माँ की बात हुई, माँ के मन की बात हुई, समझ में नहीं आ रहा आपकी जर्नी कहाँ से शुरू करूँ, समुंदर से शुरू करूँ कि पर्वत से शुरू करूं। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं, समुंदर के किनारे चलते हैं, समुंदर के अंदर उतरते हैं, वहाँ उसके किनारे खड़े होने पर
पर्सनली मुझे तो बहुत डर लगता है, दूर दूर तक पानी पानी दिखाई देता है। आपको डर नहीं लगता? मनोज जी लगता था डर। 2008 में मैं फर्स्ट टाइम गोवा गया जी। मुझे समुंदर देखने का बड़ा शौक था, कैसा होता है कैसे नहीं होता है इसमें, समुंदर के बीच अब तक मूवी में देखा था, समुंदर के में नहा रहे हैं लोग, घूम रहे हैं बीच पे, तो वहाँ पे गया और मैंने भी नहाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से डूबने से बचा। उसके बाद तो मुझे और भी डर लगने लग गया कि नहीं ये तो लहरें, आप यहाँ पे नहा रहे हो और आती हैं आपको अंदर। कहाँ पर गए थे, किस बीच पर गए थे? ये बीच तो अब एग्जैक्टली मेरे याद नहीं है नाम, पर 2008 में गया था, नहीं एग्जैक्ट याद जी। वहाँ पे मुझे एक बार समुंदर अंदर ले गया तो मैं काफ़ी घबरा गया था, फिर पीछे से एक लहर आई उसने मुझे बाहर फेंक दिया, फिर थोड़ी मन को तसल्ली हुई, चलो ठीक है। उसके बाद फिर मन में आइडिया आया कि कुछ अलग से काम करते हैं, यूनिक काम करने का मन में आइडिया चल रहा था, कुछ एडवेंचर्स करता हूँ। उसमें यह है कि अभी तक मैंने देखा लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, वो जा रहे हैं समुंदर में घूम रहे हैं, कुछ अलग नहीं था, ये रूटीन का काम। क्या आपने एक टेक्निकल टर्म यूज किया, स्कूबा डाइविंग? हमारे जो आम लोग हैं वो हो सकता है नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा उनको बताइए क्या होता है स्कूबा डाइविंग। में क्या होता है कि आपने आमतौर पर डिस्कवरी पे देखा कुछ लोग पानी के बीच में जा रहे हैं समुंदर के और वो फिश के साथ घूमते हैं, उन्होंने एक ड्रेस पहनी होती है जो स्किन टाइप ड्रेस होती है, वो पहन के घूमते हैं, वो स्कूबा डाइविंग में आता है। कई लोग मैंने देखा है खास करके जब लड़कियां जाती हैं तो मछलियों में स्कूबा डाइविंग, यस यस वही स्कूबा डाइविंग होती है जो हम समुंदर के नीचे जाके करेंगे अंदर जाके, अगर वही हम ऊपर आ जाते हैं तो वो स्विमिंग में आ जाता है, ये डिफरेंस है। तो मैंने वहां पे गया, मन में आइडिया है कुछ नया काम करना है, नया काम करना है कुछ हटके भी करना है जो रूटीन में किसी ने अब तक ना किया। माइंड में आया साइकिलिंग में यहाँ करता था रोड पे, और रोड पे तो सभी दुनिया करती है, हमने कहा समुंदर के नीचे ट्राई करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, कुछ इम्पॉसिबल सा लग रहा था। तो एक फ्रेंड है वहाँ पे गोवा में ही है, कीथ फर्नांडिस, उसकी वेस्ट कोस्ट के नाम से उसकी एजेंसी है वहाँ पे, उनसे बात हुई कि भाई ऐसा कुछ करना है, वो कहते हैं अब तक ऐसा तो हुआ नहीं है, हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो पूछा उसको कैसे हो सकता है, देखो माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, स्कूबा डाइविंग का उस टाइम पता नहीं था कि ये होती है। उसने कहा कि आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो मैंने 10 डेज की ट्रेनिंग ली, पैडी कंपनी थी जर्मन की, उनसे ट्रेनिंग ली स्कूबा डाइविंग की। फिर उसके बाद हमने साइकिलिंग का स्टार्ट किया, साइकिल लेके नीचे जाना, समुंदर में नीचे उतरे, देखा वो साइकिल तो ऊपर आ जाता है, जाने नहीं देता नीचे, फिर देखा क्या कहते हैं उसके ऊपर थोड़ा वेट लगाया, जाता है नीचे, थोड़ा नीचे गया समुद्र पे, नीचे से ऊपर मारता उठा के, देखा कि उसमें क्या हो सकता है, और भी हमारे साथ मेंबर थे टीम में, छह सात मेंबर होते हैं, सब ने अपना दिमाग लगाया क्या होगा। फिर हमने सोचा ऐसा करते हैं इसकी ना टायर की हवा निकालते हैं, वेट और डालते हैं, तो हमने वो टायर की हवा निकाली, वेट बढ़ाया हुआ और साइकिल नीचे चला गया, साइकिल नीचे चला गया। अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि साइकिल सीधा तो खड़ता नहीं, पहले तो खुद ही सीधा नहीं खड़ा जाता वहाँ पे, अपनी प्रैक्टिस की कि आप उस पर जाते हो बेड पे जाते हो सीखे, उसके ऊपर खड़ा होने की ट्रेनिंग की कि हाँ ठीक है खड़ा हो सकते हैं, साइकिल खड़ा किया, अब साइकिल के ऊपर बैठा नहीं जाता है, कैसे बैठेंगे। कई दिन ऐसी ट्रेनिंग चलती रही, बैठ रहे थे गिरते थे बैठ गए गिर गए, और उसके बाद फिर चलो जब बैठना आ गया कि हाँ ऐसे करके साइकिल पर बैठ सकते हैं, उसके बाद फिर था पैडलिंग करनी, पैडल कैसे मारेंगे, बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, जब हम पैडल लगाते हैं साइकिल ऊपर से उठ जाता है, तो जो हमने वीडियोस बनाए उसमें बड़ा साफ नजर आता है, पैडल लगाओ साइकिल ऊपर जाता है। तो एक कम से कम नियर अबाउट 15 दिन की मशक्कत के बाद फिर हम साइकिल चलाने में कामयाब हो गए, और फिर एंड में हमने 2016 में एक बात बताइए, ये है समुद्र का सरफेस, राइट, ये है तलहटी, कहीं ना कहीं तो उसका सरफेस, बिल्कुल बिल्कुल है सर। अब ये अलग बात है कि अलग अलग जगह पर उसका डेप्थ अलग अलग होगा। मैं पढ़ रहा था आपके रिकॉर्ड्स को जो अलग अलग आपने बनाए हैं अलग अलग बीच पर, कि कहीं अब पहली बार आपने एक 16 फिट 16.4 फिट ग्रैंड आइलैंड गोवा, हाँ गोवा में वो रिकॉर्ड बनाया, यस। उसके बाद आपने 30, हाँ वो कर्नाटका में, कर्नाटका में 33, यस यस। मुझे ये बताइए कि जो 16 फिट नीचे आप गए, यस, वो क्या पानी में, मतलब वहाँ सरफेस था ऐसा आपने जगह चुना जहाँ पर 16 फीट में ही आपको उसका सरफेस, मतलब उसकी तलहटी जिसको बोलते हैं, yes, मिल गई, वहाँ बालू होगा मिट्टी होगी, ये रहा बिल्कुल बिल्कुल वो मिल गया, या ठीक पानी के, मान लीजिए कि ये है आपका बॉटम लाइन, yes, और ये है सरफेस ऊपरी सतह, right, हो गया, और मान लीजिए 30 फीट है ये टोटल 30 है, yes, और 16 में चला रहे तो बीच में ऊपर पानी नीचे पानी और उसमें साइकिल चला रहे हैं, ऐसा हुआ
नहीं, आप बालू पर चलाते हैं? यस, बालू पे चलाते हैं नीचे। बालू होता है उसमें कंक्रीट सी भी होती है, और ये काफी लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया है कि समुद्र में साइकिल चलाना मीन्स आप बीच में चलाते हो? हमने कहा नहीं, बीच में नहीं चलाते। तो ये है पार्ट, जब हम स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, स्कूबा डाइविंग में हम समुद्र के नीचे जाते थे, नीचे जाके तलटी पे देखते थे प्लेन एरिया कहाँ पे है, ज्यादा ज्यादा हमें प्लेन कहाँ पे मिल सकता है। प्लेन मीन्स थोड़ा ऊंचा नीचा होगा, प्रॉपर प्लेन तो वहां पे मिलेगा। वो हमने पहले ढूंढ लिया था कि इस जगह पे है। अच्छा। और जब हम साइकिल लेके जाते थे गोवा में ट्रेनिंग करने के लिए, तो जो सभी नाविक थे वहां पे वो देखते थे भी समुद्र में साइकिलिंग का क्या काम है, बड़े हैरान होते, उनको पता नहीं लगा पहले हुआ क्या है। 10 दिन लेके आते, पूछते थे क्या करते हो साइकिल, तो हमने कहा ऐसे लेके चले जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम होने वाला था काम ये वर्ल्ड में, किसी ने किया नहीं है, तो हम इसको डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते। फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया में किसी ने समुद्र में साइकिल नहीं चलाई है? निमरोज भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया नहीं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में अब तक जो साइकिलिंग हुई है वो हुई है इसमें अपना स्विमिंग पूल में, वो करते थे। अच्छा। जो समुद्र के नीचे जाके किया वो हमने की, फर्स्ट टाइम किया है। क्या बात है। और तभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा बना, और मैं वर्ल्ड का, भगवान की कृपा से, वर्ल्ड का पहला पुलिस अफसर हूँ जिसने समुद्र के नीचे जाके साइकिलिंग की। नहीं, पहले पुलिस ऑफिसर है ये तो समझ में आया, क्या दुनिया में किसी ने, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में, मैं समग्रता में बात कर रहा हूँ, क्या किसी डिपार्टमेंट का, क्या किसी दूसरे व्यक्ति ने समुद्र में उतरकर साइकिलिंग नहीं की है? नहीं, इससे पहले समुद्र के नीचे साइकिलिंग किसी ने नहीं की। ये कह लो मैं पुलिस का पहला अफसर था, और जो मेरे साथी थे वो सिविलियन थे, हमने की, इसके अलावा पहले किसी ने नहीं किया। तो इसमें जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, मैंने सबसे ज्यादा गहराई में जाकर साइकिल चलाने का रिकॉर्ड है, वो किसका है? वो भगवान की कृपा से जो ये आपके सामने बैठे हैं, ये क्या बात है, वाह 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 वाह, आपने तो पूरी दुनिया में भारत का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। वो देखो ये आई थिंक भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी, यस, मैं वो भी मुझे जो मेरे फ्रेंड थे साथ में, उनका कोऑपरेशन साथ में रहा, और भगवान का तो रहता रहता, उससे बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज तो मेरा भी हाइट ऊपर हो गया, मैं आपके साथ बैठा सर, मैं भी बड़ा हो गया। थैंक यू वेरी मच, ये तो सर आपकी अप्रिशिएशन है जो हमें आगे भी काम करने के लिए साथ देती है। नहीं नहीं बहुत अच्छा, क्या बात है, कमाल, बहुत बढ़िया सर। आपको, मुझे तो जब देखता हूँ डिस्कवरी वगैरह पर, तो जो फीमेल तैराक है उन्हीं को ज़्यादा देखता हूँ मैं, वो सोन मछली की तरह दिखते हैं, ये पानी में चल रही हैं, तो मेरा भी मन होता है, समुंदर में नहीं उनके कारण मन होता है कि उनके साथ मैं भी थोड़ा सा जो है स्विमिंग करूँ। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको कोई ऐसा सोन मछली जो मैं बोल रहा हूँ तैरती हुई लड़की, आपको मिली कभी पानी के अंदर? यस, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊंगा। जब हम स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सीधे ही समुद्र में ले जाए, उसके पहले 2 से 3 दिन मैं पूरी सर मैं इत्मीनान से आपने कहाँ से सीखना शुरू किया स्विमिंग, वो पूरी यात्रा जानूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राइट, टू द पॉइंट जी। ऐसा नीचे गए, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी मछली ऐसी नजर आई कि लड़की जैसी आवाज स्विमिंग करे, बट नो डाउट इतनी कलरफुल फिश है नीचे, उनको देख के मजा आता है। मुझे आज तक ऐसा, जब नीचे जा रहे थे मैंने देखा आगे नियर वॉट 100 और 200 फिश जा रही थी, छोटी छोटी साइज की, कलरफुल, अलग अलग कलर, और मैंने ऐसे करे किया, वो ऐसे ऐसे झटका खाती है, बड़ा मजा आता है, रिलैक्स रहता है। हाँ ये क्या है, वाइब्रेशन पे काम करते हैं ना, फिश नीचे चलती है। मछली के अलावा आप 30 फीट नीचे हैं, 16 फीट नीचे हैं, पानी में हैं, अंदर आप चल रहे हैं, और मछलियां तैरती हैं, और कौन और कौन होते हैं वहां पर जल के जीव जो है, और कौन होते हैं? नहीं, फिश ही होती है वहां पे, और हमेशा कुछ फिश की अलग अलग डिफरेंस वैरायटी है, जैसे ये जेली फिश है। हाँ। तो इंस्ट्रक्टर ने हमें पहले बताया था कि आप थोड़ा इससे दूर रहना, आपने देखा होगा जेली फिश के नीचे वो धागे से लगे होते हैं, ऐसे ऐसे हिलती रहती है, वो कहता अगर आपको ये टच होगी तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, काफी दिन आपको खारिश होती रहेगी बॉडी पे, आप इससे दूर रहना। बाकी बड़ी फिश भी थी, छोटी भी थी, वो क्या करती हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं नीचे। अच्छा। यस, उनको पता है ये हमारे पे डिपेंडेंट है, हम इस पे नहीं है, उनका नीचे राज चलता, अपना कुछ नहीं चल रहा है, तो हम उनकी दया के ऊपर ही घूमते हैं, कोई ऐसा अटैक नहीं करती, कुछ नहीं करती है। हमने फिन्स पहने होते हैं, हम भी मछली जैसे ही लगते हैं नीचे, तो बड़ा मजा आता है समुद्र के नीचे, जब जाओगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ तो मैं हर महीने आऊँ, उसका अलग ही मजा है, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। चलिए, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो रोमांचक जर्नी है
इसको मैं ठीक से समझना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत इसकी कैसे होती है, ट्रेनिंग जो होती है कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, कैसे पानी से में आप उतरना शुरू करते हैं और कैसे कैसे गहराई में उतरते चले जाते हैं। लेकिन अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जी सर, चलिए हम उस रोमांचक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट डे जब आपने आपके मन में आया कि नहीं मुझे समुद्र में उतरना है, साइकिल चलाना है, तो कैसे तैयारी शुरू हुई और कैसे कैसे आगे बढ़े? जब ये मन में आया कि कुछ ऐसा काम करना है, पहले तो हमें ऐसी कुछ टीम चाहिए थी ये जो लोग इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। समुद्र के आप नीचे जाओगे, हमें पता था नीचे कोई बाउंड्री नहीं है और वो फिश भी घूमती हैं दूसरे वाली, जो शार्क वगैरह हैं कोई भी आ सकती है, खा भी सकती है। तो इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं? इस तरह के लोग जब मैं माउंटेनिंग में ट्रेनिंग कर रहा था उसमें मुझे कुछ लोग मिले थे, मुझे पता कि ये अच्छे हैं, क्रेजियस हैं और एडवेंचरस लोग हैं। मैंने कुछ वहाँ से लोग इकट्ठे किए, उनको पूछा कि ऐसा काम करना है चलो, उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर हमें गोवा में कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर चाहिए ना जो कुछ सिखा सके उसके बारे में, क्योंकि किसी ने काम किया नहीं है तो सिखाने में भी तो एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए और जिसका अपना भी इंटरेस्ट हो। तो ढूंढा, मिल गया बंदा, मिल गया, उससे बात हुई। तो हम हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते थे उस टाइम, अभी नहीं है, तभी नहीं होते थे। चल रेडियो से इकट्ठे किए, उनको फीस पूछी भाई कितनी है, कितने दिन लगाओगे, सभी का अरेंजमेंट करके हम यहाँ से बाई ट्रेन गोवा पहुँच गए। तो उनसे बात हुई, जब हमने ये उनको बात की कि हम साइकिलिंग करना चाहते हैं नीचे, वो कहता है ऐसा है नहीं है कुछ सिस्टम, तो हम तो स्कूबा डाइविंग कराता हूँ, मेरे को साइकिलिंग वाला क्या करना है। हमने कहा आप स्कूबा डाइविंग कराओ, साइकिलिंग के लिए आपको हम बताएंगे क्या करना है, आपने हमें सपोर्ट करना है, आप हमारी टीम लीडर से मेंबर बन के। तो वो मांगे, फर्स्ट डे तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई स्कूबा डाइविंग की वो एक रूम के अंदर ही हुई, जैसे हमारी क्लास होती है, एक क्लास लगी प्रॉपर बोर्ड के ऊपर। उन्होंने पहले हमें दिखाया कि इसके अंदर कैसे कैसे इशारे होते हैं, जब आप सी के नीचे जाओगे बोल तो वहाँ सकते नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है आपने क्या इशारा करना है। सपोज कीजिए आपको आपकी जो एयर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने कहना क्या है, कर भी अब मैं जा रहा हूँ नीचे, कर देना आपने, मैं समझ आएंगे, टीम समझ आएगी कि अब इसके पास खत्म हो गया, सब कुछ ही जाने वाला है, ऊपर जाएगा। तो इस तरह के इशारे थे, अगर हमने ऊपर जाना है पूठा थम करेंगे ऊपर ऐसे करेंगे, लेफ्ट जाना है राइट जाना, सिर्फ हम इशारा ही करेंगे, ऐसे कर रहे हैं तो समझ लेना कि ठीक है आप क्यों, मैं पूछूंगा आपने बता देना है। तो ये सबसे पहले उन्होंने हमें मूवी दिखाई, मूवी दिखा के ये इशारे होते हैं, फिर समझाया आप समुद्र की कितनी डेप्थ पे पहुंचोगे, आप पे कैसा प्रेशर डलने वाला है, क्या क्या हो सकता है, रिस्क क्या है। अगर आप एकदम जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपके ये कान के पर्दे पड़ सकते हैं, समुद्र का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो आपको इक्वलाइजेशन करनी है, वो कैसे करनी है वो बताया गया। उसके बाद जब आप नीचे हो, नीचे से ऊपर की तरफ कैसे आओ, जस्ट स्टडी चल रही थी अभी, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था, कैसे करना आपने अगर आपने नीचे से एकदम ऊपर आ गए। एक डिवाइस होती है बीसीडी कहते हैं हम उसको, बीएनसी कंट्रोल डिवाइस होती है, जैकेट टाइप पहनी होती है, उसमें एक बटन लगा हुआ है, अगर आपने वैसे दबा दिया आप बिल्कुल ऊपर आ गए। फर्स्ट बात तो ये है कि आप समुंदर के नीचे हो, ऊपर शिप है क्या कुछ नहीं पता, आप ऊपर आए ऊपर शिप है काट देगा आपको, वो ही मर सकते हो। दूसरा ये है अगर उससे आप बच गए, एकदम ऊपर आए आपके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, हजारों टन का प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, आप ऊपर आए प्रेशर है बॉडी पे, आपका हर्ट फट जाएगा, सारी बॉडी फट जाएगा। ये उन्होंने हमें उसमें बताया जो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। पाजी, सबसे पहले जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे समुंदर में साइकिल चलानी है, तो क्या किया आपने और कैसे आप आगे बढ़े, क्या प्लानिंग की? सबसे पहले मैंने प्लानिंग की, ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, समुंदर का मैंने पढ़ा था, जब भी आप नीचे जाते हो बड़ी सिस्टम चाहिए, एक तो आपके साथ कंफर्म चाहिए, और अगर हम किसी रिकॉर्ड की बात करते हैं तो फिर एक कैमरे वाला भी चाहिए, और भी कोई दूर खड़ा है वो सपोर्ट के लिए भी कोई चाहिए, इन केस कोई भी इमरजेंसी आती है। मुझे था कि 4 से 5 लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो मैंने अपने माउंटेनिंग वाले लोगों को चुने, उनको देखा कि कौन कहाँ क्या कर सकता है, क्या इनके अंदर वो लोग हैं जिनके अंदर इतना करेज है कुछ। पहले अपने माउंटेनिंग शुरू की, बाद में साइकिलिंग शुरू की? या फर्स्ट माउंटेनिंग की। ठीक है, माउंटेनिंग पर हम बाद में आएंगे। या एक चीज बताइए कि उसमें शुरू में भी आप बता रहे थे कि समुंदर में जो क्या आपने टेक्निकल टर्म यूज किया, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग, यस स्कूबा। या
आप बता रहे थे कि स्कूबा डाइविंग होती है, मतलब एक तरह से समुंदर में तैराकी, समुंदर के अंदर जाके नीचे जाके तैराकी की ही बात है, तो उसी में लोग दक्ष होते थे। साइकिलिंग की बात लोग नहीं सोचते थे, तो आपके दिमाग में साइकिलिंग की बात कहाँ से आई? मेरे दिमाग में साइकिलिंग की बात आई, मैं ना वीडियोस देखता रहता था, यूट्यूब पे देखना, डिस्कवरी पे देखना, तो कुछ लोग कंपटीशन करते थे स्विमिंग पूल के अंदर साइकिलिंग का। मेरे माइंड में वहां से आया कि अच्छा स्विमिंग पूल में साइकिल चल सकता है, अगर स्विमिंग पूल में साइकिल चल सकता है तो समुद्र में भी चल सकता है, थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ये मेरे माइंड में। समझ गया। दूसरी जो मुश्किल, ठीक है समुद्र में साइकिलिंग तो होती नहीं थी, और जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले आपने ही रिकॉर्ड भी बनाया, तो ट्रेनर कौन होगा, क्योंकि जो होते ही नहीं थी तो इसकी ट्रेनिंग कौन देगा? तो ये जो आपको एक टीम की जरूरत पड़ी, उसमें एक ट्रेनर की भी जरूरत पड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो ट्रेनर कहाँ से मिला, कैसे आगे बढ़े? ट्रेनर हमें मिला गोवा का था एक लड़का, वो हमारे टच में था, मेरे फ्रेंड है नरेंद्र, उसको आगे वो जानता था, नरेंद्र भी माउंटेनिंग करता है, उसका बड़ा साथ रहा है इस काम में, जी उसने बड़ी हेल्प कराई है। परमजीत है, वो इंडिया का अपना ये जो बॉडी बिल्डिंग की होती है उसमें मिस्टर इंडिया भी रहा, मिस्टर हरियाणा भी रहा है परमजीत शेरावत, वो भी साथ में थे। तो हमने देखा कि हमें कौन मिल सकता है, तो नरेंद्र का वो जानकार था, हमने उससे बात की, भाई ऐसे करके है, वो कहता मैं तो स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, आगे काम हम देखेंगे, तो आप स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग दीजिए, होता क्या है समुद्र के नीचे कैसे क्या काम करते? जी मन में वही प्लानिंग चल रही थी कि अगर साइकिल स्विमिंग पूल में चल सकता है तो समुद्र के नीचे क्यों नहीं चल सकता। हाँ, आपने ये प्लान किया कि पहले उतरे तो एक्चुअली क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं ना, हम तो गांव के जो दूसरे छप्पड़ होते हैं उसमें नहाने वाले बंदे थे, हमें क्या पता है समुद्र क्या है, हमने तो वही प्रैक्टिस तो हमने उससे बात की। वहां पे वेस्ट कोस्ट नाम से कंपनी थी और कीथ फर्नांडिस थे उसके, गोवा। यस, हमने उससे बात की, ऐसे है, वो कहता चलो ठीक है मैं आपको स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग तो दे सकता हूँ। अच्छा, ये किस साल की बात है? ये 2016 जनवरी। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द बायस को।